नमस्कार, स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र से है, जहां बड़ा पंचगढ़ से एक पिस्टल एवं एक देसी कट्टा के साथ दो युवक को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दोनों पकड़े गए आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया है। एक व्यक्ति जो है उसका नाम आनंद मड़ैया है, दूसरे का नाम शंभू शर्मा है। आनंद मड़ैया छोटा पंचगढ़ थाना बोरियो जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि शंभू शर्मा जो है वो गोड्डा जिला का रहने वाला है। दोनों युवक के पास से, एक युवक के पास से देसी कट्टा, एक युवक के पास से पिस्टल एवं पिस्टल का मैगजीन बरामद किया गया है। इस संबंध में बुधवार को पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि दोनों ही युवक के पास से हथियार पकड़ा गया है। इस संबंध में और क्या कहा पुलिस अधीक्षक ने, चलिए सुनते हैं। पिछले दिन कल 22 फरवरी को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग हथियार लिए हुए थे। इस सूचना के आलोक में SDPO साहेबगंज, इंस्पेक्टर हमारे नगर सचिव और अफसर जैसी एक टीम बनाई गई और इन लोगों के द्वारा जो सूचना थे उसके सत्यापन के लिए आनंद मड़ैया के यहाँ तलाशी ली गई और उनके घर पर दो हथियार मिले हैं, एक देसी कट्टा और एक पिस्टल है और पिस्टल का मैगजीन भी है। ये बरामद किया गया और उसकी निशानदेही पर बताया गया कि उसके साथ जो उनको उपलब्ध कराया था उसमें एक शंभू शर्मा का नाम, दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इस टीम ने एक बढ़िया काम किया है जो सूचना का सत्यापन किया और अवैध हथियार को बरामद करने में सफलता हासिल की। सभी बधाई के पात्र। पहले भी कुछ आपराधिक इतिहास कह रहा है क्या? अभी तक इनका यहाँ का कोई आपराधिक इतिहास ऐसा रिकॉर्ड में नहीं है जिरवाबाड़ी में। हम लोग इसकी तलाश कर रहे हैं कि अन्यत्र अगर इनका कहीं आपराधिक इतिहास है या नहीं। वो जो शंभू शर्मा है वो मूलतः गोड्डा जिला का रहने वाला है, यहाँ पर मकान बना के रह रहा है और आनंद मड़ैया जो है वो पहले सेना में था और रिटायर्ड फौजी है।